हिंदू धर्म में व सनातन धर्म में सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करने से पहले विधि विधान से पूजन करने का रिवाज है। होलिका दहन के 8 दिन पहले मलमास तो नहीं होलाष्टक लग जाता है, जिसमें 8 दिन शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। इस घड़ी में कोई भी शुभ कार्य नहीं कराया जाता, जैसे भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन के बाद में अप्रैल में कुछ शुभ मुहूर्त आ रहे हैं। अगर यह शुभ मुहूर्त में घर प्रवेश या मुंडन संस्कार या बिल्डिंग निर्माण या और कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू नव वर्ष अप्रैल माह में आ रहा है। तमाम ऐसी तिथियां हैं जिनको शुभ कार्य के लिए विशेष माना गया है। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य रवि शुक्ला से जानते हैं वो तिथि वो समय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए नव वर्ष चैत्र मास प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन जो भी भवन भूमि का क्रय विक्रय या भवन निर्माण के लिए अपनी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह शुभ अवसर है। चैत्र मास नवरात्रे में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये जो शुभ मुहूर्त हैं इसमें वह भूमि भवन का पूजन करके अपना भवन निर्माण कार्य या गृह प्रवेश कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा द्वादशी है, पूर्णिमा है और अन्य और तिथियां भी शुभ मुहूर्त अपने जन्म पत्रिका के अनुसार भी आप मुहूर्त निकला करके इन तिथियों का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र मास जो कि हिंदू धर्म में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ पराम्बा आदि शक्ति की उपासना प्रारंभ करके अपनी कुल देवी का, अपनी इष्ट देवी का पूजन कर मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। उसके जितने भी कष्ट होते हैं वो उनका समन कर भगवती पराम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो वास्तु पुरुष है वह चैत्र मास में प्रसन्न होकर के चैत्र मास के नवरात्रे में यदि कोई व्यक्ति अपने भूमि भवन का प्रवेश या निर्माण कार्य प्रारंभ करता है तो वास्तु पुरुष प्रसन्न होकर के उनकी जो भूमि भवन निर्माण कार्य जो है वह सकुशल संपन्न होते हैं। शुभ मुहूर्त में करने वाले या होने वाले जो कार्य हैं वह शुभता से, प्रसन्नता से पूर्ण होते हैं, उसका पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।